अरे शुक्र। बढ़िया। आ रहा है? भूखा नहीं आ रहा, घूम रहा है अभी। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है अदिति जी? हाँ एक तो मरा से है। हेलो, हेलो। ये सुनीता आपके एंड से गायब हुआ, मेरे एंड से? ये आपके एंड से कनेक्शन लूज हुआ है मेरे एंड से? सुनीता कमी, आवाज आ रही है सब? हाँ आ रही है सर जी। आ रही है? चलिए दैट जी ग्रेट। सुनीता तुम्हें आ रही है आवाज? कैन कैन यू हियर मी सुनीता? कैन यू हियर मी? Can you hear me? कैन सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के हमारी ये परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इवनिंग। ग्रेटर नोएडा के सीईओ श्री नरेंद्र भूषण जी। और आज के परिचर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री राकेश कुमार, चेयरमैन इंडिया एक्सपो मार्ट लिमिटेड, डीजी एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, और ग्रेटर नोएडा के फेस श्री आदित्य गिडियाल, वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीज। और आज का हमारे इस प्रोग्राम के संचालक प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जी, कंसल्टेंट एडिटर 10 न्यूज, सीनियर मेडिकल एडवाइजर एंटी कोरोना टास्क फोर्स, आप सभी का 10 न्यूज के आज के परिचर्चा में स्वागत है। धन्यवाद सुनीता धन्यवाद। जी। जी, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हो चुकी है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो 5 पिलर्स रखे हैं हमारे सामने, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड, और इसके साथ साथ जो उन्होंने एक हम सबके लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की जो अनाउंसमेंट करी है 20 लाख करोड़ की, और जिसका टाइम टू टाइम हमारी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हम सबके बीच आके बताती रहती हैं। 10 न्यूज के माध्यम से आज हमारी जो चर्चा है कोरोना एंड लॉकडाउन, क्योंकि अब हम लॉकडाउन 3 भी जब ओवर होने वाला है, लॉकडाउन 4 की एक शुरुआत की बात चल रही है, और साथ में कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बीच में, तो आज मेरे साथ श्री आदित्य गिलदयाल साहब का मैं भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीज के जो हैं। आदित्य साहब से हम चर्चा हमारे साथ जो हमारे श्रम मंत्री हैं पंडित सुनील भराला जी, माननीय अध्यक्ष राज्य मंत्री श्रम कल्याण परिषद, आज वो भी सुबह जुड़े थे, तो आपके विचारों से सर हम थोड़ा जानना चाहेंगे 10 न्यूज के माध्यम से। श्री आदित्य जी, ओके, थैंक यू थैंक यू। एंड यू आर, यू हैव आस्क्ड, आई मीन आई कुडंट हियर योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट इट वंस अगेन?
जी सर, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोरोना एंड द लॉकडाउन। एंड सिंस आप रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीज के, तो अब हमारा जो है इंडस्ट्रीज का स्पेशली हाउ आर वी गोइंग टू फेस, जो हमारा टफ टाइम है उसको हम कैसे ईज आउट करने वाले हैं, स्पेशली इन दिस क्राइसिस ऑफ कोरोना एंड द लॉकडाउन, व्हेन द लॉकडाउन का वर्जन 4 भी अब बहुत जल्दी कल से अनाउंस होने वाला है। देखिए बड़ा स्थिति इस समय बड़ी नाजुक है इंडस्ट्रीज के लिए, और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनका तो उनकी हालत सबसे ज़्यादा नाजुक है, उनको दोनों तरफ से पड़ी। देखिए बंद भी उनके सभी फैक्ट्रियाँ बंद हुई, जाहिर सी बात है COVID-19 में लॉकडाउन हुआ तो सभी बंद हुए, उनके साथ दो तरफा मार ये पड़ी कि एक तो उनका सब कुछ बंद हो गया, दूसरा उनको गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है कि लेबर को सैलरी देना अनिवार्य है, तो उन्होंने जो 2 महीने उनको सैलरी और इस महीने भी देने की कोशिश की जा रही है। देखिए रोटेशन में मनी है नहीं, ना उनका माल बन रहा है ना बिका है, उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ इंडस्ट्रीज को चलाने की इजाज़त मिली छोटी इंडस्ट्रीज को, उनका जो लेबर है सब अपने अपने गांव चले गया है। बहुत सी इंडस्ट्रीज ग्रेटर नोएडा में हमें देखने में आई कि उनके वर्कर्स जो हैं वेस्ट बंगाल, बिहार और अलग अलग स्टेट से हैं, जो कि ऑलरेडी जा चुके हैं, गवर्नमेंट ने उनको सुविधा मुहैया कराई, उनको बस कराई, उनको ट्रेन कराया और वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में गाँव में पहुँच गए हैं। ये कोरोना का जो COVID-19 है, ये महामारी जो हुई है, ये इस तरह की मारम से कि आप सबको पता है एक जमाने में स्पेनिश हुआ था, ये उसी तरह का है, लोगों को फर्स्ट टाइम देखा है, और खासतौर पे हमारे जो मजदूर भाई वो इतना डर गए हैं कि जिन लोगों ने फोन पे उनसे बात भी की है उन्होंने साफ मना कर दिया अपने अपने स्टेट आने के लिए। तो दो तरफी मार जो है ये हमारी छोटी इंडस्ट्रीज को पड़े, बड़ी इंडस्ट्रीज स्पेशली मल्टीनेशनल्स हैं उनका क्योंकि विदेश से सारा कनेक्शन है, डॉलर से है, तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जैसे अभी तक नहीं खुली हैं जो मल्टीनेशनल्स हैं, और जैसे कि अभी आप खुद ही बता रहे थे कि 17 तारीख को एक और अनाउंसमेंट होने वाला है, अगर ये नहीं खुलती हैं तो जो इंडस्ट्रीज को उनको नुकसान तो है ही है, क्योंकि जो ऑर्डर्स इनको एक्सपोर्ट के मिले हुए हैं वो बाहर वो ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, उनका कोई कॉम्पिटिटर होगा, जैसे हमारे यहाँ हम इंडिया ही में देख रहे हैं कि सारे स्टेट्स में इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं, जहाँ रेड जोन है वहाँ भी खुली हुई हैं, और खासतौर पर मल्टीनेशनल्स, तो लिहाजा कॉम्पिटिटर जो है वहाँ पे अपना माल देगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफों से नुकसान होगा, उत्तर प्रदेश सरकार को भी रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से बहुत जो है रेवेन्यू जनरेट होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो बड़ी इंडस्ट्रीज फिर भी सरवाइव कर जाएंगी, लेकिन अगर उनको नहीं खोला जाता है तो आने वाले समय में बड़ा टफ हो जाएगा। और क्योंकि देखिए बड़ी इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, 3,000, 5,000, 10,000 वर्कर इस तरह रहते हैं, तो ये वर्कर सारे बेरोजगार हो जाएंगे। एक सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में बेरोजगारी की हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले खासतौर पर ग्रेटर नोएडा में ये आने वाली है। इस जी आदित्य साहब, जो अभी हम लोगों को स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो अनाउंस हुआ है 20 लाख करोड़ का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसको बार बार बोल रहे हैं कि ये कॉटेज इंडस्ट्री, MSME, लेबरर्स, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, एंड स्पेशली जो हमारे इंडस्ट्रीज के लिए भी उन्होंने बोला है, एंड विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ इंडियाज GDP, तो इसमें थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम्स जो अभी हम सब लोग फेस कर रहे हैं क्या इसको सॉल्व कर सकेंगे? देखिए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह का नुकसान हुआ है और जिस तरह की आज हमने पहले भी देखी है, जो सर आ गए क्या उस लाइन पे? आई थिंक सर इज नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत हार्दिक। हाँ नमस्कार सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, थैंक्स।
Right, sir. We'll talk about it. And चलिए सर पांच मिनट में आपसे फिर मुलाकात दोबारा करते हैं। मेरे साथ श्री नरेंद्र भूषण जी जुड़ गए हैं, सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत 10 न्यूज को समय देने के लिए। आप नोडल ऑफिसर हैं और मैं अभी ये भी देख पा रहा हूँ कि आप इस समय वर्क से ही बिजी हैं और ट्रैवल भी कर रहे हैं, क्योंकि कोविड 19 की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और साथ में मेरे साथ संदीप सरकार साहब भी जुड़े हुए हैं, जो सीईओ एक्सपो है। आपका बहुत बहुत दोनों का हार्दिक स्वागत 10 न्यूज को समय देने। नमस्कार सर। आपके माध्यम से सर जानना चाहेंगे कि इस समय आप नोडल ऑफिसर भी हैं डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर की, क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब इस समय लॉकडाउन 4 की भी अब शुरुआत होने वाली है और कोविड 19 का दौर भी चल रहा है, तो आपके थ्रू 10 न्यूज के दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। So, you expect me to speak in Hindi? Yeah. इससे पहले सर मैं थोड़ा इंटरव्यू दे रहा हूं। Okay. No, sir, you can speak in English, you can speak in Hindi, but before that, as you give a brief, sir, so that people, the viewers, they'll come for what exactly, sir, after. So, हमारे व्यूअर्स हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सर के बहुत जल्दी जानते हैं, ये जरूर जानते हैं कि सर सीईओ नोएडा ग्रेट अथॉरिटी, सर इतना ही जानते हैं लोग। मैं थोड़ा सर का बताना चाहूँ। सर जो है 1992 बैच आईएएस उत्तर प्रदेश, और बेसिकली है इन्हें चुके पंजाब से। जी श्री भूषण सर, प्लीज कंटिन्यू। सो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा आपको इश्यू आए जी मेरी आवाज में, क्योंकि अभी मैं उसमें 4G में हूँ और दो मिनट में मैं आप जाऊंगा कैंप ऑफिस, तब को वाईफाई से भी ज्वाइन कर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक 10 टेलीविजन, स्पेशली श्री गजानन माली जी for giving me this opportunity of sharing my thoughts with you. So, aaj hum, I think the topic will be COVID-19. So, COVID-19, you know, is a pandemic. It's a once in lifetime type of thing for all of us. I am 50 years old, so I think all the audience will be like in different age groups. But for all of us, including our senior citizens, 70 years old citizens, it will be once in a lifetime. I think I heard during our independence, hamare jab desh azad hua tha, us samay hamare yahan plague jaisi bimariyan hoti thi, ye kaha gaya 1919 mein is prakar ki ek vipda aayi thi. Ata aise time pe hame positive rehte hue hame sochna hoga ki ye covid kya hai, is covid se humne kaise bachna hai, parantu jo covid ke karan samay jo lockdown hua hai उसको कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए, उस समय हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं कि जो कोविड के कारण हमारा नुकसान हो रहा है सभी प्रकार का, जिसमें फाइनेंशियल नुकसान, इकोनॉमिक लॉस, उन सब की हम कैसे भरपाई कर सकते हैं। कोविड की यदि बात करें, कोविड एक ऐसी पेंडेमिक है, ऐसी वैश्विक महामारी है जिसके कारण पूरी दुनिया लगभग जो है रुक सी गई है, थम सी गई है, सभी जगह लॉकडाउन। हमने कर्फ्यू वर्ड सुना था, ये लॉकडाउन एक नया वर्ड हम लोगों ने सुना जी। कि सब जगह लॉकडाउन की स्थिति है, चाहे वो विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, रशिया वगैरह, या कोई भी एक छोटे से छोटा कंट्री, गरीब से गरीब कंट्री। गौतम बुद्ध नगर की यदि बात करें, यहाँ के कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि हम दिल्ली NCR से जुड़े हुए हैं, दो एयरपोर्ट हमारे जुड़े हुए हैं, तीसरा एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन रहा है, यहाँ पे वाइडली ट्रेवल्ड लोग हैं, सोशल मीडिया वेल एजुकेटेड एरोडाइट फैमिलीज हैं यहाँ पे, वो ट्रेवल करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, और इसी के कारण, क्योंकि कोविड ट्रेवल करने से, इंटरेक्शन से ज़्यादा फैलता है, इसलिए यहाँ पर कोविड का खतरा यदि इंडिया के 700 जिले हैं उसके मुकाबले में काफ़ी अधिक है, ये हमको समझना होगा। मैं एक सेकेंड के लिए मैं बस अपने ऑफिस में पहुँच रहा हूँ। सो लॉकडाउन का
बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा बिल आया है जी। आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। लॉकडाउन एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए लाया है, वो चैलेंज ये है इस टाइम लॉकडाउन के इस समय जब हम एक राइजिंग कर्व, जब हमारा लॉकडाउन इस टाइम अभी पीक को पार नहीं किया है। नॉर्मली हर कंट्री उस टाइम पे खोला जाता है जब वो पीक के बाद गिरती हुई पीक में पहुंचता है, परंतु हमारे यहाँ भी राइजिंग पीक है। भारत सरकार का जो लॉकडाउन हुआ उसने बहुत फायदे हुए, परंतु कहीं ना कहीं अभी राइजिंग पीक के टाइम अपनी इकोनॉमी को देखते हुए भारत सरकार को ये लेना पड़ा कि हम उसको खोलें। इस लॉकडाउन के समय में आया पहला फॉर्मूला वे वी विल बेसिक फंक्शन वी विल the way we will introduce itself is an example. Technology of course is coming to our rescue. That way we will interact. आप देखिए आज ये मीटिंग गजानन मल्लिक साहब जो है सब जगह हमें मिलके जो एक ऑडिटोरियम में कर रहे होते और उसके बाद एक चाय पार्टी भी होती जिससे गजानन मल्लिक साहब बच गए हैं, तो वो किस तरह से हमें जो है एक ई टी ई चाय से उनको डिस्कवर करना है। I am saying COVID is forcing us to understand how we will conduct business, how we will conduct our life, how we will conduct our market, our daily needs, how we will purchase that, everything. So generally, how we will go for swimming, that way, how the children will study, everything will have to be changed. So generally, in my life, in my administrative studies, I have been taught to talk about paradigm shift. My personal thinking is paradigm reversal. When I will write a book after retirement, I am going to write on paradigm reversal, the shirshasan of governance, that if you have do upside down in governance, in administration, there are many things which work efficiently. But I think COVID has forced us to talk about a new paradigm. So we cannot talk about paradigm shift, we cannot talk about paradigm reversal, we will have to now find a new paradigm. That is very, very important. So if I talk, some of the important things which we need to learn. So one is stay at home versus going to work. So lockdown 3, which I call unlockdown 3, so it has forced us whether we want to stay at home or we want to go to work. So my request is, wherever there is a choice, wherever we can conduct a business like this, this is an opportunity today, this is an example, let us work from home. That is very, very important. Very true. Bilkul sahi bola. New word. But it will have to be the norm. Social distancing हमें हर समय समझनी होगी। जैसे मैंने कहा, नौकरी में, काम करते समय, रेस्टोरेंट में खाना खाते समय, शॉपिंग करते समय, बाजार में कहीं मिलते हुए, चलते समय, बस में, ट्रेन में, अपनी कार में, we will have to learn social distancing. मैं आज अपने अफसरों के साथ जब भी बात करता हूँ, जब मेरी मीटिंग होती है कई बार, या मैं उनके साथ कुछ देखने जाता हूँ, वो मेरे पास आ जाते हैं, उनको मैं सिखाता रहता हूँ, उनको लगता है मैं ब्लंट हूँ, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग हमें सीखनी होगी। वॉश योर हैंड्स, डोंट टच योर फेस, कहा जाता है एक आदमी एक मिनट में कई बार अपना फेस टच करता ही करता है, वो देखना होगा। वियर द मास्क नॉट ओनली आउटसाइड बट विद इन योर रूम्स आल्सो। यस्टरडे आई वाज रीडिंग दैट लोगों को प्रॉब्ली अभी जो रिकमेंडेशन यही है कि बाहर जाते समय अपना मास्क पहने। नहीं, कल मैंने पढ़ा यदि आप बाहर ओपन में जा रहे हैं, जैसे मैं अभी आ रहा था, वहां मैं मास्क पहनू ना पहनू, परंतु यदि मैं कमरे में दो लोगों के साथ हूं, उस समय भी मास्क पहनना उतना ही जरूरी है जितना बाहर। वेंटिलेशन वर्सेस क्लोज स्पेस का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। हमारी अथॉरिटी सेंट्रली एयर कंडीशन थी, हमें उसको चेंज करना पड़ रहा है। जितनी आप विंडोज खोल के रखें उतना अच्छा है, और यदि कोई सिम्टम्स हो तो अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। सीनियर सिटीजन ये इनका और बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो और वल्नरेबल सेगमेंट है, प्रेग्नेंट लेडीज, उनका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये कुछ सही बोला, बोल रहा था जो लर्निंग करनी होगी मैं, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, क्योंकि आप सुनना चाहेंगे कि आज प्रभारी अधिकारी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। आज कोविड की सिचुएशन हमारे यहाँ 238 केसेस हैं, 10-11 केसेस का हम मिलान कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट का मानना है कि हमारे यहाँ 250 केसेस हैं वो, परंतु आप मान लें इसी बीच हमारे केसेस हैं 238 से। ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर जनपद पहले
फर्स्ट था विच वॉज नॉट ए गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस, परंतु हमने इम्प्रूव किया, जितनी जो केसेस बढ़ने की एक संख्या थी उसकी गति को कुछ विराम दिया और आज हम यूपी में पांचवें नंबर पे हैं। आज इन केसेस की संख्या यहाँ 500-700 कुछ भी हो सकती थी, उसको कम करके हमने उसको 250 पर कंटेन किया है। कंटेनमेंट जोन का कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉकडाउन 4 में भी प्रॉब्ली जो है, जो कि अनलॉकडाउन होगा मोस्ट प्रोबली, परंतु उसमें कंटेनमेंट जोन का कॉन्सेप्ट बहुत रहेगा कि जहां पे केस निकलता है उसके आसपास का कुछ एरिया हमें सैनिटाइज होना करना होगा, वहां पे कुछ कर्फ्यू जैसी सिचुएशन रखनी होगी, वो कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझना होगा और वहां के लोगों को कुछ वर्क फ्रॉम होम की आदत डालनी होगी। सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसे खूब करेंगे, परंतु मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप अपने घर में इसको भी सीख लें, आप अपने एरिया में कॉमन एरियाज में RWS भी इसको सीख लें। होम डिलीवरी ऑफ गुड्स में कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी में कॉन्सेप्ट देख रहा था, US में बहुत अच्छे ढंग से इसे करा गया है हम लोगों को अमेजन से, क्योंकि यहाँ पे एरुडेट फैमिलीज हैं, इसलिए कृपया करके उसको जरूर सीख लें। कॉन्टेक्टलेस होम डिलीवरी पे वीडियोज देखें, बहुत लोग उसको प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने पढ़ा पिज्जा हट के बच्चों के कारण कई जगह पे लोगों को कोविड जैसी बीमारी हुई, तो यदि आप पिज्जा हट तो कंटिन्यू करना होगा, पिज्जा होम डिलीवरी, स्विगी होम डिलीवरी, ग्रोफर, ये सब चलने होंगे, हमें कॉन्टेक्टलेस होम डिलीवरी को सीखना होगा। इसकी वीडियो जरूर देखें, उसमें कॉन्सेप्ट रहता है कि आप उसके हाथ से नहीं पकड़ते, वो एक साइड में रख देता है, बड़ी सिंपल चीज है। माइग्रेंट लेबर्स, ये लेबर्स हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं, अभी मुख्यमंत्री जी की मैं VC में था, वो इसी बारे में बात कर रहे थे, जहां भी जिस घर में जिस भी गाँव में शहर में वो जा रहे हैं उनको हम स्किलिंग कर लें, उनका हम फायदा उठा लें। माइग्रेंट लेबर्स हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं, परंतु यदि हमारे आसपास कोई माइग्रेंट लेबर है उसका हम ध्यान रख लें। कम्युनिटी किचन हम लोग चलें आप सबके सहयोग से, उसको भी हम कैसे प्रोफेशनल ढंग से चला सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे ऑडियंस के लिए, बेसिकली दो तरह के ऑडियंस मान रहा हूं मैं, एक है RWA जो हमारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, हमारी जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, मैं देख रहा हूँ आदित्य को देख रहा हूँ मैं, गजानन माली साहब है ही हैं, मैं एक्सपो मार्ट के सरकार साहब को देख रहा हूँ, बहुत लोग हैं, उन सब ने हमारे साथ खड़े हुए हैं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे पहले वो हम उनको अपने एक्सटेंशन मानते हैं, दे नीड टू हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द कोविड सस्पेक्ट। मैं आपको बताऊं, मैं सारी दुनिया के मॉडल पढ़ रहा हूं, एक मॉडल जो हमारे यहाँ अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इस जिले की खासियत है, यहाँ पे और पढ़े लिखे लोग हैं, कोविड सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में यदि हर RWA का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से हमारी हेल्प करें, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव निकलता है हमने RWA के प्रेसिडेंट साहब से बात करनी शुरू करी है। एक हमारा नंबर आप सबको पता होगा 1800-419-2211, इसकी जो कॉल सेंटर की जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपको डॉक्टर से कनेक्ट करता है, यदि जरा सा भी आपको कोई सिम्टम लगता है 24 घंटे 24/7 यू कैन कनेक्ट टू ए डॉक्टर हु विल टॉक टू यू, who will talk about your symptoms and they will basically guide you, they may provide you ambulance also if required, but if there is a COVID symptom they will guide you what to be done, that is very very important. ek aisi jagah pe bilkul isi system ko follow karke COVID ko bilkul khatam kar diya gaya hai aur hamare jile ka profile bilkul us tarah hai, yadi resident welfare association apne yahan is baat ko hamare yahan help kare, essential commodities की मैंने बात करी, home delivery में वो help करें, 25 लोग घर से gate तक आएं, उसकी बजाय यदि एक volunteer या अपने एक employee को लगा दें, बहुत सारी RWS उस swiggy boy को उस boy को घर तक नहीं जाने देना चाहती हैं, अच्छी बात है यदि आपकी ऐसी thinking है, ये choice है, आप समझते हैं कि वो virus का carrier हो सकता है, परंतु आप कृपया करके अपने resident को force मत करें कि वो gate तक आए, वो 25 लोग आएंगे उसकी बजाय एक वॉलंटियर लगाइए, हर टावर में एक वॉलंटियर हो, वो 25 घरों में जाकर दे दे, वहां भी कॉन्टेक्टलेस तरीके से, तो आपका जो है उसका फैलने का चांस 1/25 हो जाएगा। और चूंकि वो वॉलंटियर लॉकडाउन में आपका ही रेजिडेंट है, पिछले 50 दिन घर पे रहा है, तो लगभग वो टाइम टेस्टेड है कि उसे कोरोना नहीं है, वो सेफ व्यक्ति है। सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो मिल्कमैन है, चाहे वो मेड है, चाहे वो आपका ड्राइवर है, उनको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी है। हमारे जिले में थोड़ा सा यदि आप देखेंगे सेक्टर 8, सेक्टर 9, हरोला, मामूरा, ऐसी जगह पर भी COVID-19 पहुंचा है। कहा जाता है कि जो लोग ट्रेवल करके आए उनके कारण ये फैला है,
परंतु वहां भी पहुंच गया है, उन लोगों को गाइड करने की जिम्मेदारी हमारी है कि जो हमारे हेल्पर्स हैं उनको हम गाइड करें। इसके अलावा एक दूसरा आरडब्ल्यूएस के अलावा सेकंड बड़ा स्टेक होल्डर है, मैं बस 2-3 मिनट और लूंगा अपनी बात कहने में, स्टेक होल्डर जिसमें सबसे पहले प्रोवाइड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, डॉक्टर जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी तरह के पैरामेडिक्स, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर केस का उसका एग्जामिनेशन करता हूँ डेली 3 घंटे लगाकर कि वो केस क्यों फैला, क्यों नहीं हम उसको रोक सकते थे, यदि हम रोकना था तो हमने क्या ऐसा नहीं किया ताकि हम आगे से उसको रोकें, और उसकी हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सफल हुई है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश लेवल पे वो अडॉप्ट की गई है। पहली स्ट्रेटेजी हमारी थी 2+2+2, कई बार लोगों को कठिनाई भी हुई होगी, जैसे ही कोई केस पॉजिटिव आता है हम अगले 6 घंटे में 2 घंटे के 3 बेंचमार्क बनाए हैं हमने, उसके जो फर्स्ट ऑब्वियस कॉन्टेक्ट है जिनसे संक्रमण फैलने की, कोविड से दूसरे लोगों को इन्फेक्ट होने की संभावना बहुत अधिक है, उनको हम 6 घंटे में क्वारंटाइन करते हैं, और हम ये 24 घंटे करते हैं, कई बार रात को भी करते हैं, उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उनके जो मेड, उनके ड्राइवर्स, ये हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सफल रही है। एक हॉस्पिटल में हमारा बहुत इन्फेक्शन फैला, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स को भी हुआ, और जो लोग हॉस्पिटल में चेक कराने गए उनको भी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा, काफी बड़ा परसेंटेज मेरा ये हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शन है। तो हमने ब्रिगेडियर गुप्ता जो जिम्स के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उन्होंने एक बहुत ही बेंचमार्क स्थापित किया है, आई थिंक पूरे इंडिया में हमारा जो है उनके कारण, जिम्स के कारण बहुत बड़ा सक्सेस रेट, हमारे तीनों कॉलेज जिम्स, शारदा और चाइल्ड पीजे, इन तीनों के कारण हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, हमारे जो क्या कहते हैं रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है, पूरे इंडिया में सबसे अच्छा था, अभी भी हमारा पूरे यूपी में हम टॉप के जिलों में हैं। तो उन लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया, हमने लगभग हर हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करी है कई एस्पेक्ट से। जब हमने देखा 4 प्रेग्नेंट लेडीज को एक दिन, उनको क्योंकि उन्होंने हमने देखा केवल उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था उसके कारण उनको पॉजिटिव आने की संभावना बनी, हमने उनकी ट्रेनिंग शुरू करी, हमने नर्सेज की ट्रेनिंग शुरू करी, हमने वार्ड वाइज की ट्रेनिंग शुरू करी। हॉस्पिटल को यदि मैं आपको बताना चाहूंगा, हर हॉस्पिटल को एक फ्लू कॉर्नर बनाना चाहिए, आप किसी भी बीमारी को दिखाने जाते हैं पहले फ्लू कॉर्नर में कोविड के लिए आपका असेसमेंट करे, एंड इफ यू फाइंड कोविड का टेस्ट करना जरूरी है, वो आपका कोविड का टेस्ट करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल की ये भी देखने की जिम्मेदारी है कि आप उसी टाइम क्वारंटाइन करेंगे, क्योंकि एक दिन में टेस्ट रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आता है, परंतु यदि उनको लगता है कि वो उनकी आपकी जान पहचान है, आपके घर में एक कमरा है कि आप अलग से रह सकते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल ये आपको एडवाइस कर सकता है कि आप अपने कमरे में अलग से रहें, ये बहुत जरूरी है, और ताकि यदि आपका खुदा ना खास्ता पॉजिटिव निकलता है तो आप एक सेफ ढंग से हॉस्पिटल जा सके विदाउट इन्फेक्टिंग योर फैमिली और फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। फ्लू कॉर्नर के बाद एक कोविड सस्पेक्ट वार्ड बनाए, यदि इमरजेंसी है तो वो अपने आप को कोविड मानते हुए उसका पूरा इलाज करें, अर्थात पूरा पीपी किट पहनते हुए वो इमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं। पूरी ट्रेनिंग दी है, आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़े आप टेली मेडिसिन, हमारे IMA ने, हमारे जिम्स ने, सब ने टेली मेडिसिन शुरू करी है, कृपया उसका फायदा उठाएं, और यदि टेली मेडिसिन संभव नहीं है आपको जाना ही पड़े तो इस बात को देख लें कि वहां पर सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री को हमने चलाने का प्रयास किया है, हमारे यहाँ 6 लाख लेबर थी, हमने अभी मैं जोड़ रहा था 1,23,000 माइग्रेंट लेबर्स का हमने परमिशन जारी करी है, जो कि अभी भी 25% है, 17 तारीख तक हम इसको काफी बढ़ा के लगभग पूरा कर लेंगे। एक बहुत बड़ा एक डाइकोटोमी है यहाँ पे, पैराडॉक्स है कि लेबर घर भी जा रही है, तो उसको भी देखने कितनी लेबर को हम लोग रिटेन कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी थोड़ी सी गति तो बढ़ेगी, हम इसी गति को मेंटेन कर लें और जो गति को बढ़ने से रोकें उनका, उनके लिए एक पूरा SOP है कि रोज टेम्परेचर मानने नापें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, उस तरह से उनको यदि वो घर जा रहे हैं तो भी प्रिकॉशंस लें। इंडस्ट्री के ऊपर इकोनॉमी की रिवाइव करने की भी जिम्मेदारी है, और इस बात की भी जिम्मेदारी उनको सीखनी होगी कि अब वो कहीं कोविड बढ़ाने में कोई कहीं पता चले उनका रोल बढ़ जाए, वो बहुत ध्यान देना होगा। सो ओपन द इकोनॉमी, मैं हंसता हूँ, अनलॉकडाउन और अनलॉकडाउन, इट इज एन एक्चुअली अनलॉकडाउन, वी हैव टू ओपन द इकोनॉमी। पहले हमारी थ्योरीज थी जान है तो जान है, फिर हमने कहा जान भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वी हैव टू लिव विद कोविड, वी हैव टू लर्न इट, एंड एज आई टोल्ड यू लेट अस लर्न द न्यू पैराडाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू फाइंड आउट how to do business in a better way, much more progressively, at a higher speed than we have been doing. ये जो human mind है,
लोगों ने कहा सर कोला खत्म हो जाएगा, ऑयल खत्म हो जाएगा, कैसे चलेगा? इन्होंने सोलर एनर्जी ढूंढ दी, हो हाइड्रोजन ढूंढ दिया। लोगों ने कहा इंडिया जैसा कंट्री भूख से मर जाएगा, आज हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं ग्रीन। तो ये ह्यूमन माइंड की पावर को आप लोग पहचानिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको नई टेक्नोलॉजी, नए मेथड्स, न्यू पैराडाइम सीखना होगा। और गौतम बुद्ध नगर जनपद के ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक 10TV के ऊपर, जो कहा जाता है डेवलपमेंट के तीन वेव्स होते हैं। पहला डेवलपमेंट का वेव था फिजिकल रिसोर्सेज, सेकेंड वेव था ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, थर्ड जो है सोशल कैपिटल, जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो आज 10TV यहाँ पर कर रहा है कि कैसे आइडियाज मिले, उससे नई चीजें निकल गई। तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डेवलप ए न्यू पैराडाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गौतम बुद्ध नगर लीड्स द वे, इट शोज द वे टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड आई एम श्योर वी कैन डू इट। एंड आई थैंक 10TV, आई थैंक आदित्य ग्रिडियाल, आई थैंक सरकार साहब, एवरीवन, मिस्टर माली फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। So I have about 10 minutes. If you have anything, any comments, any question, I have about 10 minutes. 7:40 or 7:40, I would like to leave, because there is another decision which has happened, that trains will start from Delhi again, big migration, Delhi, Greater Delhi, Ghaziabad and Gautam Buddha Nagar, coordinated trains will have to start basically to ferry migrant labor. So that meeting is at 8, 3-4 districts are getting together. So I have about 10 minutes. Over to you, sir. मेरे साथ संदीप सरकार साहब भी जुड़े हुए हैं। संदीप सरकार साहब, इस समय सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत कर रखी है, आपके विचार जानना चाहेंगे। तो एक बार मुझे एक क्वेश्चन, मेरा नाम सुदीप सरकार है, कुछ इशू हुआ जी। सरकार साहब बोलिए। सरकार साहब प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू माली जी फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म। मेरा नाम सुदीप सरकार है, आई एम द सीईओ ऑफ इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड। पहले तो सीईओ सर का मैं थैंक यू करूँगा, बिकॉज सर टाइमली एक्सपो, ऑटो एक्सपो और इलेक्ट्रामा जैसे बड़े बड़े दो शोज़ एक्सपो मार्ट में अच्छे से हो गए, उसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी योगदान रहा, जिसकी वजह से 10-10 लाख के वो बड़े बड़े शोज ठीक तरीके के हो गए सर। अगर वो डिले हो गए होते तो देर वुड हैव बीन अ मैसिव लॉस एनी वे, दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग टू द ऑटो इंडस्ट्री। सो एट द आउटसेट थैंक यू वेरी वेरी मच कि आपने उसका अप्रूवल दिया, और साथ ही साथ उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस और जो एहतियात बरतने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो ठीक तरीके से लागू करते हुए दोनों बड़े के बड़े शो हो गए। सर अभी तो बात हो रही है रिगार्डिंग वेरियस मेजर्स दैट आर बीइंग टेकन, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई एम कंफर्टेबल इन दैट। सो वेरियस मेजर्स आर बीइंग टेकन फॉर द लॉकडाउन एंड हाउ, वेरियस मेजर्स फॉर द लॉकडाउन एंड हाउ यू नो वी कैन सेफली कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस। बट एट द एंड सर वॉज ऑल्सो हाईलाइटिंग अबाउट अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट दैट इज कमिंग आउट ऑफ द इकोनॉमी, आई एम श्योर घिल्डियाल साहब वॉज ऑल्सो यू नो हिंटिंग एट दैट पॉइंट। लेट मी अश्योर यू सर एंड द ग्रेटर नोएडा एंड द नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन दैट दैट स्टेप हैज ऑलरेडी बीन टेकन बाय द इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट बाय इट्स चेयरमैन श्री राकेश कुमार जी, बिकॉज द इंडस्ट्री हैज बीन सीवियरली हिट, द MSME सेक्टर हैज ऑल्सो बीन सीवियरली हिट, विच इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। बट Notwithstanding the hit and the kind of business loss that they had had and the kind of exhibition and the social distancing norms that are coming into effect, Rakesh Kumar ji has taken a very bold step of bringing the virtual exhibition or virtual trade fair or virtual fair India platform into existence, jisme se kam to nahi to hum ek ek bari mein 2,500 exhibitors, बेसिकली MSME एग्जिबिटर्स, MSME सेक्टर्स को टारगेट करते हुए, हु आर इन द वेरी स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल, दोज हु पार्टिसिपेट इन द हैंडीक्राफ्ट और इन द होम फर्नीचर और इन द वेरियस ODOP कैटेगरीज ऑफ द वेरी यूनिक पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। राकेश कुमार जी हैज इनिशिएटेड अ वर्चुअल फेयर प्लेटफॉर्म इन विच ही इज ब्रिंगिंग इन दीज सप्लायर्स एंड द एक्सपोर्टर्स एंड द डोमेस्टिक सेलर्स at a single point, and we are promoting that virtual fair platform vigorously in India as well as India means India domestic lines for bulk selling as well as for exports. What is important at this point of time to know is that
you know, not only the business has suffered a loss, the sentiments have taken a backseat. You know, the business sentiment has been severely affected. So at this point of time, what is most important, as Narendra, CEO sir has said very rightly, that we need to keep the sentiments up. Now, how do we keep the sentiments up is to reconnect with the supplier and the buyer. Now, how do you reconnect at this point of time when there is social distancing? It is by way of a virtual platform. As sir rightly said, the first was the industrial revolution, then the IT, and now the IT-enabled services. So a virtual platform is basically an IT-enabled service in which we are bringing in all possible, you know, MSME, you know, business under one platform, and then we are promoting that platform internationally via social media and telecommunication for the buyers to come and see their supply lines are intact, that their exports, their products are in place, that the sanitization and the certification things are in place, and that they can, you know, resume the business once the lockdown is over. But this I said only about the handicraft sector. There are you know, efforts being made in similar other sectors of printing technology, in the auto sector, in the plastic manufacturing sector, and in the PPE, that is personal protective equipment sector as well. So while the business is now closed physically for the time being, India Expo Center and Mart has taken a very proactive stand to go virtual. And I must also share with you that in the district, in the welfare measures also, Expo Center has taken good initiatives in distributing foods as per the policies of authority. And we are providing enough space for the buses and all other facilities to be used by the district administration to, you know, send the students and bring the labors back to business and all. Thankfully, we have obtained part permission to open the office, but soon it would be a major you know, open with more than 50% or 75% staff, and we will be able to operate, you know, the business as usual. But yes, the social distancing norms would remain there, and there would be, you know, caution, as sir has very rightly said, before we take, you know, initiatives of getting much closer, we need to rethink about what we have gone through now and how we can make the future even more safer and better and a convenient place to work with. Thank you. Thank you, Sudeep Sarkar, sir. Very well spoken and very well elaboratively you have conveyed all the points regarding the corona and the lockdown, especially in terms of the Export Promotion Council for the handicrafts as well. Now, we have got... Let me ask sir one question. Sir, we have been reading in papers nowadays that a lot of many industries would like to come and invest in India. I mean, aapke paas kisi ne approach kiya aur number one. Number two is, what is your plan? I mean, 1 year down the line because of this COVID. And third is, sir, what industries are facing problem nowadays is ki you have said ki 5% unka test hona hai. And आपने जैसे तीन नाम बताए, एक चाइल्ड स्पेशली हॉस्पिटल है, एक शारदा है और एक और है. सो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आर देयर, तो यूजली जो आपने पहले बीच में इंप्लीमेंट किया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन आल्सो डू दैट, वेदर इट इज कैलाश हॉस्पिटल और अदर हॉस्पिटल, वो कैंसिल कर दिया गया है. तो व्हाट आई हैव सीन द रिएक्शन स्पेशली विद वर्कर्स इज कि दे आर लिटिल अफ्रेड ऑफ गोइंग टू दीज हॉस्पिटल्स वेयर कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट्स आर देयर. Can this again be re-implemented? The private hospital can do this COVID test because they are more comfortable going there. So I actually think there was some disturbance, but let me try to answer whatever I could answer. The first sir. Question was about the investments coming to this area. So sir. Just now we were having, you know, discussion at the level of Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. We wanted to understand how we can bring investments to Uttar Pradesh, especially this region. We were discussing that for about 1.5 hours. And it is a COVID also brings more opportunities, more investment to us. We discussed about the land banks, etc., everything. I think it's a
very, very positive thing for this area. Lot of industries will be coming to this area. So we have been trying otherwise also. Of course, mobile electronics, we have become already the world hub. And in future also, a lot of industry will be flowing to this area. So only thing is, we have to see how we can basically bring them in a seamless manner with India's, you know, ease of doing business ranking jumping quite a lot. And again, I said this area will have to, this, I should not say this, but then these authorities have been famous or infamous for other things also. But now I think these authorities will have to come out and become the shining example, the center of excellence for all of, not only UP, but to India to see. And I think we are moving right on in a right direction, and hopefully you will see good results in very, very short time. So coming to the, let me clarify about the hospital. There is a question which I can see also. Vini Karna Mathur, that when are the borders opening, can we travel to Delhi without restriction? So there is no need to actually be afraid of COVID. As I said, we have to develop a paradigm. You know, we have to become ourselves, we have to make ourselves everything about us COVID-proof. So that is what we need to learn. There are things which have already come to the public domain. There are recommendations. Similarly, going to the hospitals, it is not that every hospital is, disseminating infection. It's not like that. So there was, of course, some issue with respect to the understanding. Now I think the understanding is clear to a great extent. Training programs are going on. You can also look at Ministry of Health and Family Welfare's website, which gives advisories. There are a lot of advisories issued by the state government. We have done very, very comprehensive training program on daily basis. We have given, what you call it, a checklist, for an audit list, which is to be filled by every private hospital. Then our team has gone and visited and find out what are the further requirements. So our hospitals are safe and they will be safe. I was just telling about some of the precautions that if you go to a hospital, just make sure that first you go to their flu corner or the COVID corner, where they first evaluate you for that. And the person sitting there evaluating there should be in the proper gear, in the PP kit, etc. So that we don't have to close the hospital. Nothing to fear, just to be cautious and adopt COVID-proof practices. I actually, you said three questions, but I could understand two. I don't know if I answered them properly. These were the questions. So I was talking about the private hospitals. Initially, you gave a go-ahead to them, and workers were very comfortable with them since they were coming to the factory and taking sample. And now you have dismantled that. Hospitals, we can allow. So one is hospitals for non-COVID things or COVID suspect things. Every hospital is allowed to do that. Emergencies also, only in containment zone. As of now, my understanding is, subject to correction, that OPD is not allowed within the containment zone. But every hospital is allowed. Now, COVID private hospitals in Great Gautam Nagar. So if there is a proposal, we will be ready to consider that. Actually, I was told that probably, because as of today, we have done fairly well. So if there are proposals, so we will be happy to look at those. From the private hospitals, they want to treat for COVID. They have to follow certain norms of government of India and state governments. They let them move the proposals, and I think they can be declared COVID hospitals for private on private treatment, be it through the insurance or otherwise. Was that the question? Did I answer it? Partially, yes, sir. But my question was this COVID test, 5%, you said ki it is mandatory for the company which are open now. So what has happened is they are eager to call the private hospitals there, yeah, yeah, staff to get it this. But I think from 7th onward, I think wo mana kar diya gaya hai private hospital ke test karne ke liye. Let me clarify. We have not put any embargo. So talk to the private labs. So like Dr. Lal, etc. It is their own choice. From our side, there was only one restriction, that when you call, basically you tie up with a private hospital, a doctor comes, he will evaluate your people and he will select, okay, these people look like symptoms, they have symptoms, so they need to be tested. Okay, you decide on the 5% or less or more, and then you get their sample through a private lab. So there was one requirement from our side, that the doctor who is prescribing the test should be able to decide whether that person needs to be quarantined or not.
as I told you, because the test report will come in one day in private labs at least. So for one day, there is need of precautions. So the doctor needs to decide whether that person needs to be quarantined at the hospital, institutional quarantine, he can be quarantined at your industry, or he can be allowed to go home. Because in case of migrant labor, if the test is done, so you generally cannot allow them to mix with their families. God forbidding, tomorrow he comes positive and he has mixed with his family the same night when he was tested, then he will be spreading the infection. So that was the only requirement. I think that is justified. So the doctor who is prescribing, with whom the industry has a tie-up, will need to decide on this quarantine thing. And the doctor, Lal Lab, etc., were required to fill this form, because this will be prescribed by the doctor. While they give us the report, this column was being left blank. Not applicability. They cannot write not applicable. They will have to write whatever the doctor decided. So that was the only issue. From our side, no issues. But I think ICMR has provided them some restriction, saying that they need to have some ID. And they were, I think, struggling with that ID. Once every person who takes the sample gets that ID, he can take those samples. Great, sir. Great. From our side, I think we are being liberal. So you can basically jo hai, maybe take a day or two in sending us the reports. Okay, sir. Perfect. Very good. Right. From industry side, I would like to thank you, because it is your positive attitude. Jo itni sari industries hamari jo khuli hai, it is all because of your positive, your personal this thing. And sir, one personal question before Raman, this should be my last question, that you have been maintaining that, sir, ki every Thursday you used to visit at random to one site, one factory and industry. And whether you'll be able to continue that in future or not. Because that was definitely a very, very I will be doing. I have to learn the new paradigm also, whichever you think, because a lot of innovations come from, you never know from where. I learn a lot many things from you. It is always a two-way learning process. And that again is paradigm reversal. You know, in paradigm reversal, instead of people coming to me, I try to go to them, learn some of the best practices they are following. I talk to the head, the CEO of that organization. He can teach me in 2 minutes what I will learn in 6 months. So that I will continue, of course, with COVID-proof techniques, of course, by following the new paradigm. Thank you so much, sir. 10 News ki taraf se, we thank, highly thankful, Shri Narendra Bhooshan ji, IAS CEO, Greater Noida Authority, Shri Aditya Ghildyal ji, Vice President, Association of Greater Noida Industries, as well as Shri Sarkar from Indo Expo Mart Limited. Export Promotion Council for the Handicraft. बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपका 10 News के दर्शक. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thanks, sir. So I'm leaving. Yes. Thank you, sir. Right. Thank you.